हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बेंडिंग स्ट्रेसेस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 6। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फिगर शोज अ कास्ट आयरन ब्रैकेट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आई फॉर्म। फाइंड पोजिशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट शुड बी इम्पोज ऑन द सेक्शन इफ द टेंसाइल स्ट्रेस इन द टॉप फ्लेंज इज नॉट एक्सीड 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाट इज देन द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द बॉटम फ्लेंज। ये प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से देखेंगे कि ये एक कास्ट आयरन ब्रैकेट दिया हुआ है जो कि एक एंड से फिक्स सपोर्ट है, मतलब एक तरीके का ये कैंटिलीवर बीम की तरह जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, इसके फ्री एंड पे एक लोड एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फ्री एंड पे एक लोड है, कैंटिलीवर बीम है और फ्री एंड पे एक लोड एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जो कास्ट आयरन ब्रैकेट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम देखेंगे साइड से, तो ये इस तरीके से आई फॉर्म में दिखाई देता है जिसमें बॉटम फ्लेंज, टॉप फ्लेंज और एक वेव है। इसमें सारे डायमेंशन हमें दिया हुआ है। ये जो वेव का हाइट है ये 200 mm है। फ्लेंज, टॉप फ्लेंज का जो लेंथ है 200 mm है। फ्लेंज, वेव और जो बॉटम फ्लेंज है, टॉप फ्लेंज है, उसका थिकनेस 40 mm दिया हुआ है और बॉटम जो फ्लेंज है इसका लेंथ 120 mm दिया हुआ है। तो ये आई क्रॉस सेक्शन एरिया है इस बीम का जिसके सारे डायमेंशन हमें दिया हुआ है। तो ये जो बीम है या कास्ट आयरन ब्रैकेट है वो एक कैंटिलीवर बीम की तरह है और इसके फ्री एंड पे एक लोड, पॉइंट लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो आई सेक्शन है इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगा, इस बीम का न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन। दूसरी चीज, न्यूट्रल एक्सिस जो आएगा उसके अबाउट में इस क्रॉस सेक्शन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें पहले हम फाइंड आउट करेंगे। अब ड्यू टू दिस पॉइंट लोड, ये कैंटिलीवर बीम है और ये पॉइंट लोड है, तो इसके कारण इस बीम में, कैंटिलीवर बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है ये फिक्स सपोर्ट पे आता है। तो कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इस बीम में, इस बीम के सेक्शन पे, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे लोड का वैल्यू दिया नहीं है तो हम डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो बेंडिंग इक्वेशन यूज़ करके हम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, अगर लोड दिया रहता है तो डायरेक्टली हम लोग लोड इनटू डिस्टेंस करके हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन लोड की वैल्यू दिया नहीं है तो हम मोमेंट डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इस पॉइंट लोड के कारण ये कैंटिलीवर बीम किस तरीके से बेंड होगा, इस तरीके से नीचे की तरफ बेंड होगा और बेंड होने के बाद टॉप वाला जो लेयर है इस बीम का, ये टॉप वाला लेयर, यहाँ पे टेंशन आएगा और बॉटम वाले जो लेयर है यहाँ पे कंप्रेशन आएगा। ठीक है, तो टॉप लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस और बॉटम लेयर पे, सॉरी, टॉप लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेस और बॉटम लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू दिया हुआ है 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, तो 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये टॉप फ्लेंज पे कितना कम टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है इसकी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वैल्यू का यूज़ करके हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद बॉटम फ्लेंज के बॉटम लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या है ये भी हमें डिटरमाइन करना है। तो ओवरऑल हमें चार वैल्यू डिटरमाइन करनी है। सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस का पोजिशन, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू। क्लियर है? तो सबसे पहले हम
न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। तो न्यूट्रल एक्सिस बेसिकली होता क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस सेक्शन के लिए, और जो सेंट्रोइडल एक्सिस के जगह पे ही होता है, मतलब जो सेंट्रोइडल एक्सिस होता है वही उसका न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो ओवरऑल हम इसका देखेंगे तो सेंट्रोइडल एक्सिस ही हमें फाइंड आउट करना है। सेंट्रोइडल एक्सिस कैसे हम ड्रॉ करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिस एक्सिस कंसिडर करते हैं एक्स और वाई, और इसी एक्स वाई एक्सिस के रिफरेंस में हम इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे, और वहाँ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो कि उसका सेंट्रोइडल एक्सिस होगा। ठीक है, ये बेस एक्सिस हमने कंसिडर किया। इसके बाद ये कंपोजिट प्लेन एरिया है, तो कंपोजिट सेक्शन के लिए हम कैसे सेंट्रोइड फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंपोजिट एरिया को अलग अलग एरिया में ब्रेक करेंगे, तो इसको हम तीन रेक्टेंगल में ब्रेक कर सकते हैं। रेक्टेंगल वन जो कि बॉटम फ्लेंज है, रेक्टेंगल टू जो कि वेव है, और रेक्टेंगल थ्री जो कि टॉप फ्लेंज है। क्लियर है, इस तरीके से हमने इसको तीन रेक्टेंगल में ब्रेक किया, और इसके डायमेंशंस भी हमें पता है। जैसे रेक्टेंगल वन है तो बी वन की वैल्यू 120 mm, हाइट 40 mm, रेक्टेंगल टू के लिए वेथ 40 mm, हाइट 200 mm, और रेक्टेंगल थ्री के लिए विड्थ 200 mm और हाइट 40 mm है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे डायमेंशन हमें पता है। अब हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो एरिया में हमने ब्रेक किया हुआ है उसका सेंट्रोइड हमें पता है। जैसे कि रेक्टेंगल वन या बॉटम फ्लेंज का सेंट्रोइड हमें पता है बी बाई टू और एच बाई टू पे होता है। तो यहाँ पर हमने एक्स वन वाई वन एक्सिस ड्रॉ कर लिया। उसी तरीके से रेक्टेंगल टू का भी हमें सेंट्रोइड पता है बी बाई टू और एच बाई टू पे, उससे हमने एक्स टू और वाई टू एक्सिस ड्रॉ किया। इसी तरीके से रेक्टेंगल थ्री का सेंट्रोइड भी हमें पता है बी बाई टू और एच बाई टू, तो हम वहाँ से एक्स थ्री और वाई थ्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तीनों इंडिविजुअल रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड है सी वन सी टू सी थ्री, ये हमें पता है। तीनों रेक्टेंगल के सेंट्रोइड सी वन सी टू सी थ्री का जो लोकेशन है वो एक्स और वाई एक्सिस से हम डिटरमाइन करेंगे, और एक फार्मूला यूज़ करके हम ओवरऑल कंपोजिट आई सेक्शन का सेंट्रोइड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल वन जो कि बॉटम फ्लेंज है, इसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे 120 × 40 mm जो कि 4800 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। रेक्टेंगल टू वेव है जिसका एरिया 8 × 8000 मिलीमीटर स्क्वायर हमें मिल जाएगा, और रेक्टेंगल थ्री टॉप फ्लेंज है जिसका एरिया 200 × 40 हमें मिलेगा जो कि 8000 मिलीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीनों का सेंट्रोइड का पोजीशन वाई एक्सिस से डिटरमाइन करेंगे जो कि एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री है। तो तीनों देखिए, ये जो आई सेक्शन है वो वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे अगर एक्सिस ड्रॉ करें तो इस एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वाई एक्सिस से तीनों जो रेक्टेंगल है उसका जो सेंट्रोइड है वो सेम डिस्टेंस पे होगा वाई से, जो कि एक्स वन 100 mm मिल जाएगा, एक्स टू 100 mm और एक्स थ्री 100 mm। तो तीनों का सेंट्रोइड एक ही लाइन पे आएगा जहाँ से हम वाई सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, उसी तरीके से तीनों रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड है उसका लोकेशन एक्स एक्सिस से क्या होगा। तो देखिए, ये वाई वन रेक्टेंगल वन के लिए हमें मिलेगा 20 mm, एक्स टू एक्सिस का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ये हमें मिल जाएगा वाई टू 140 mm, और एक्स थ्री एक्सिस का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ये मिलेगा 260 mm। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों रेक्टेंगल का हमने उसके सेंट्रोइड का लोकेशन एक्स और वाई एक्सिस से डिटरमाइन किया। ठीक है, ये वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद हम ओवरऑल आई सेक्शन का सेंट्रोइड का लोकेशन फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई एक्सिस से। तो ये फॉर्मूला है एक्स सी इज इक्वल टू ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री अपन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। सभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, उसको पुट अप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो एक्स सी की वैल्यू हमें मिल जाएगा 100 mm। एक्स सी एक्चुअल में क्या है, इस आई सेक्शन के सेंट्रोइडल वाई एक्सिस का लोकेशन है वाई एक्सिस से, या इसके सेंट्रोइड का लोकेशन है इस वाई एक्सिस से जो कि एक्स है ना, तो ये 100 mm हमें मिला। उसी तरीके से वाई सी हम फाइंड आउट कर लेंगे ए वन वाई वन प्लस ए टू प्लस वाई
ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री अपान ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। वैल्यू हमें पता है, हम इसको पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वाई सी की वैल्यू जो है 158.5 mm हमें मिल जाएगा। अब ये वाई सी क्या है, इस आई सेक्शन के सेंट्रॉइड का लोकेशन है बॉटम एक्स एक्सिस से। तो ये वाई और एक्स एक्सिस से ये कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया कि इस आई सेक्शन का सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, ठीक है, जो कि एक्स सी 100 mm और वाई सी 158.5 mm है। इस लोकेशन को लेते हुए हम एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये वाई वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से 100 mm के डिस्टेंस पे हमने ड्रॉ किया जो कि इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस है, और बॉटम से 158.5 mm के डिस्टेंस पे हमने ये एक्सिस ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो कि एक्स एक्स सेंट्रॉइडल एक्सिस है, और दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा ये आपका। तो इस तरीके से ये सेंट्रॉइडल एक्सिस हमें मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस है यही क्या है, इस आई सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस भी है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस का पोजिशन बॉटम से हमें मिल गया 158.5 mm, जो कि वाई सी से हमने डिनोट किया हुआ है, ठीक है। वाई सी इसलिए डिनोट किया है क्योंकि देखिए ये बीम जो है नीचे की तरफ बेंड हो रहा है और नीचे वाले लेयर में कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, तो कंप्रेस नीचे न्यूट्रल लेयर से नीचे वाला जो एरिया है, जो लेयर है, वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, इसलिए इस तरफ के डिस्टेंस को मैंने वाई सी से डिनोट किया। और जैसे इस लेयर के ऊपर वाले या इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले जो भी लेयर है वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, तो ऊपर अगर हम कुछ डिस्टेंस ले रहे हैं तो उसको वाई टी से डिनोट करेंगे, और वाई टी का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये टॉप फ्लेंज पे आएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 121.5 mm। इसका मतलब टॉप से न्यूट्रल एक्सिस का जो लोकेशन है वो 121.5 mm आएगा। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से इजीली। तो इस तरीके से न्यूट्रल एक्सिस का जो पोजिशन है ये हमें पता चल गया इस आई सेक्शन के लिए, इसका पोजिशन बॉटम लेयर से 158.5 mm के डिस्टेंस पे है, और टॉप लेयर से अगर ले तो ये 121.5 mm के डिस्टेंस पे है। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। आगे हम ये जो सेंट्रॉइडल एक्सिस एक्स एक्स है जो कि इस आई सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है पूरे आई सेक्शन का। तो कंपोजिट प्लेन एरिया है तो पूरे आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट में और उसको ऐड करेंगे तो टोटल आई सेक्शन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो आई एक्स वन रेक्टेंगल वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्स या न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में, आई एक्स टू एरिया टू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में, और आई एक्स थ्री एरिया या रेक्टेंगल थ्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में। तो ये आई एक्स वन आई एक्स टू और आई एक्स थ्री को फाइंड आउट करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए तीनों रेक्टेंगल का खुद का जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री ये एक्सिस, तो इसके अबाउट में उस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है खुद के सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में, है ना। हमें न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये सभी एक्सिस आपस में पैरेलल है, एक्स वन एक्स पैरेलल है, एक्स टू एक्स पैरेलल है और एक्स थ्री एक्स एक्सिस पैरेलल है, तो हम ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो आई एक्स वन की वैल्यू क्या होगा, आई एक्स वन बार प्लस डी वाई स्क्वायर ए वन, आई एक्स टू की वैल्यू आई एक्स टू बार प्लस डी वाई स्क्वायर ए टू, और आई एक्स थ्री बार प्लस डी वाई स्क्वायर ए थ्री ये आई एक्स थ्री की वैल्यू है। यहाँ पे आई एक्स वन बार आई एक्स टू बार और आई एक्स थ्री बार जो है वो खुद के सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में हर एक रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वैल्यू पता है, और डी वाई जिन दो एक्सिस के बीच में हम ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस, और ए वन ए टू ए थ्री ये एरिया है सभी एरिया रेक्टेंगल का, ठीक है। ये वैल्यू हमें पता है आई एक्स वन बार का वैल्यू रेक्टेंगल वन के एक्स वन एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि बी एच क्यू अपॉन 12 के बराबर होगा, तो ये बी एच की वैल्यू हमने रखा। डी वाई एक्स वन और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है जो कि 158.5 - 20 के बराबर होगा इसके स्क्वायर, और ए वन एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन हमें पता है 4800, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुटअप किया जो कि आई एक्स वन का वैल्यू है,
आई एक्स टू की वैल्यू हमें मिल जाएगा, आई एक्स टू बार का वैल्यू बी एच क्यूब अपॉन 12, देखिए बी का वैल्यू 40 और एच का वैल्यू 200 है इस रेक्टेंगल 2 के लिए। एक्स टू और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 158.5 माइनस 140 हो जाएगा और एरिया टू ए टू हमें है मिला हुआ है 8000 मिलीमीटर इस पर, तो ये हमने रखा। एरिया थ्री या रेक्टेंगल थ्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स थ्री हमें मिलेगा, ये देखिए उसके खुद के सेंट्रोइडल एक्स थ्री एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी एच क्यूब अपॉन 12 200 इंटू 40 क्यूब अपॉन 12 होगा। एक्स थ्री और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 121.5 माइनस 20 हो जाएगा और रेक्टेंगल थ्री का एरिया ए थ्री 8000 मिलीमीटर स्क्वायर है, ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई एक्स वन का वैल्यू 9271480 मिलीमीटर टू द पावर 4 हमें मिल जाएगा, आई एक्स टू की वैल्यू 2940467 मिलीमीटर टू द पावर 4 मिलेगा और आई एक्स थ्री की वैल्यू 8348467 मिलीमीटर टू द पावर 4 हमें मिल जाएगा। तीनों ही रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में मिल गया, तीनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके न्यूट्रल एक्सिस या एक्स एक्सिस के अबाउट में हमें मिलेगा जो कि 2.056 इंटू 10 पावर 8 मिलीमीटर टू द पावर 4 हमें मिलेगा। क्लियर है, इस तरीके से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस आई सेक्शन का कैलकुलेट किया है जो कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई होप कि ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा, है ना। ये कैलकुलेशन समझने के लिए आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो लेक्चर है उसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद हम देख इसमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए ये जो आई सेक्शन है इसका न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि टॉप लेयर और बॉटम लेयर से ये पोजीशन हमने फाइंड आउट किया है। अब ये जो बीम है वो नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, कैंटिलीवर बीम है, तो टॉप लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेस और बॉटम लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो आउटर मोस्ट लेयर पे आएगा, है ना, वाई टी और वाई सी के वैल्यू पे। तो इसका अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहें तो उसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये रेफरेंस न्यूट्रल एक्सिस लाइन है और रेफरेंस वर्टिकल लाइन है, टॉप लेयर पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस हमें दिया हुआ है 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से बॉटम लेयर पे भी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा और इस बार सिग्मा टी और सिग्मा सी ऊपर और नीचे इक्वल नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है या वाई टी और वाई सी की वैल्यू यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए सिग्मा टी और सिग्मा सी की वैल्यू भी इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये आई सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए सिग्मा टी और सिग्मा सी की वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। तो सिग्मा सी नीचे आएगा और सिग्मा सी कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे जैसे हम देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस या कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, यहाँ पे जीरो स्ट्रेस होता है। तो जैसे जैसे हम टॉप लेयर से नीचे आते जाएंगे स्ट्रेस की वैल्यू कम होते जाएगा और जैसे जैसे बॉटम से ऊपर न्यूट्रल एक्सिस की तरफ हम जाते जाएंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू कम होगा और न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस या जो भी स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो इस तरीके से हम पूरे आई सेक्शन के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इस ग्राफ से आपको क्लियर होगा कि पूरे आई सेक्शन में किस से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से स्ट्रेस वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आगे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम। तो देखिए टॉप लेयर या टॉप फ्लेंज के जो लेयर है ऊपर वहाँ पे हम बेंडिंग इक्वेशन अप्लाई करेंगे ना टॉप लेयर पे, जहाँ पे हमें सिग्मा टी की वैल्यू दिया हुआ है, तो एम अपन आई इज इक्वल टू सिग्मा टी अपन वाई टी, ये बेंडिंग इक्वेशन से हमें मिलेगा। हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आई सिग्मा टी वाई टी की वैल्यू हमें पता है, हम इसको पुट अप करेंगे और एम की वैल्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू न्यूटन में और डिस्टेंस का जो
वैल्यू है मिलीमीटर में है, तो आप यूनिट को थोड़ा ध्यान रखना कि किस यूनिट में आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने न्यूटन और एमएम लेके कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमें मिलेगा 67.69 × 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। इसको आप चाहें तो किलो न्यूटन मीटर में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो फाइनली हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा 67.69 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये पूरे सेक्शन में इस तरीके से ये बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब ड्यू टू दिस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इस सेक्शन पे बॉटम लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, है ना। तो ये वाई लेयर का जो डिस्टेंस है, वाई का डिस्टेंस, ये 158.5 mm के डिस्टेंस पे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। तो बॉटम फ्लेंज के लेयर पे कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फिर से बेंडिंग इक्वेशन अप्लाई करेंगे बॉटम लेयर पे, जहाँ पे वाई सी की वैल्यू 158.5 mm है। तो ये बेंडिंग इक्वेशन है, एम अपन आई इज इक्वल टू सिग्मा सी अपन वाई सी। एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, आई हमें पता है, सिग्मा सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वाई सी की वैल्यू 158.5 mm है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस एट बॉटम फ्लेंज एट बॉटम लेयर हमें मिल जाएगा सिग्मा सी इज इक्वल टू 52.18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसको 52.18 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस आई सेक्शन के बॉटम लेयर पे कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है ये हमने फाइंड आउट किया। तो इस वैल्यू से आप देखेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेस 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है और सिग्मा सी की वैल्यू 52.18 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना। तो अगर आपको पूछे कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, तो ये मैक्सिमम दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है, 52.18 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें इंड्यूस होगा 52.18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, जो कि इसके बॉटम लेयर पे इंड्यूस होगा, है ना। टॉप लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेस है जिसकी वैल्यू 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेस से कम है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि किस तरीके से हम बेंडिंग स्ट्रेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, है ना, और अभी तक के जितने भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है उसको आपने समझ लिया है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाता है इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आज का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।